खतरनाक आलो भयंकर आदमी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चलिए आज आपको लेकर चलते एक नए स्नैक रेस्क्यू में, और इस रेस्क्यू में जो सांप हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं वो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों बड़ा ही खतरनाक सांप होता है ये, जिसको मारवाड़ी में यहाँ राजस्थान में कालिंद्र के नाम से जाना जाता है, और असम साइड में इसको फैटी सांप के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश का नाम तो इसका इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है ही, और साइंस में इसको जाना जाता है नाजा नाजा के नाम से, और यूपी और बिहार साइड में इसको गहवन और फिटार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो सांप होता है इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो वेनम एक इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी होता है, जिसकी एक बूंद भी काफ़ी होती है। तो दोस्तों इसके काटने के बाद इंसान को सही इलाज करवाना चाहिए अथवा उसकी मौत निश्चित है। सही इलाज इसका एकमात्र इलाज है जो कि है हॉस्पिटल जा करके। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आप एंटी वेनम लीजिए। एंटी वेनम डॉक्टर आपको देंगे तब आपकी जान बच पाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी, जैसे कि आप कोई झाड़ा फूका, अगर आप ओझा बेच के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपको इस सांप के काटने के बाद आपको प्राण त्यागने पड़ सकते हैं। दोस्तों अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़िएगा कभी भी। अगर आपको आपकी जान प्यारी, हम तो चाहते हैं कि सभी की जान प्यारी और सभी की जान बचे, इसी लिए हम इस वीडियो को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये सांप आपके लिए कितना खतरनाक और कितना जानलेवा हो सकता है। और आप इस वीडियो में देखिए, इस सांप को पहचानिए कि हाँ यही इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, जिसके काटने पर हमें क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से अब समझ में आ चुका है। दोस्तों आपको अगर समझ में आ चुका है कि ऐसा सांप अगर किसी को भी काटे तो क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस स्नैक रेस्क्यू को पूरा देखिएगा। दोस्तों हालांकि इस रेस्क्यू को करते समय थोड़ा सा नुकसान भी हो गया था, सांप को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन जिनके घर में ये सांप आया था उन्होंने इस सांप को बचाने के लिए हमें कॉल किया। हम उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया और उस बेजवान की जान बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और हमें कॉल किया। दोस्तों अक्सर लोगों के घर में जब सांप घुसता है तो लोग सांप को मार देते हैं। हमारा मकसद ये है कि दोस्तों सांपों को मारे ना, और सांपों को पकड़ के उनके पर्यावरण में, जंगल में छोड़ दे, ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहे। क्योंकि दोस्तों सांप जो होते हैं वो किसान मित्र होते हैं, हमारे किसानों के मित्र होते हैं, और वो खेतों में चूहे अलग अलग जानवरों को खा जाते हैं, जिससे हमारी खेती, हमारी फसल को नुकसान नहीं होता है और हम एकदम निश्चिंत होकर हमारी खेती कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको ये भी चीज़ पता है कि सांप का नेचर ऐसा होता है कि बिना खतरा महसूस किए वो कभी किसी को काटता नहीं है। जब भी किसी सांप को खतरा महसूस होता है, खतरा महसूस होने पर ही वो काटता है। ऐसे ही अगर आप उसके सामने भी खड़े रहोगे तो वो आपके तरफ नहीं आएगा, वो अलग दिशा पर चला जाएगा, कभी भी आपको सामने से आकर नहीं काटेगा। दोस्तों इनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर तो इंसान भी किसी को अटैक कर देता है, फिर ये तो खैर बेजुबान है, इनमें तो जुबान नहीं होती है। तो आप लोगों को पता है कि ये सांप हमारे लिए कितने ज़रूरी है, क्योंकि सांप के काटने के बाद जो एंटी वेनम लगता है दोस्तों, जो उसकी दवाई होती है, वो भी सांप के जहर से बनती है, और अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ इस सांप के जहर से बनती है। अगर हम सांपों को मार देंगे हमारे पर्यावरण के लिए ये बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ हो सकती है, और ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। दोस्तों हर एक चीज़ ज़रूरी है, जितना इंसान ज़रूरी है उतना ही ऐसे जानवर भी ज़रूरी है। इनको बचाने के प्रयास में हम निकल पड़ते हैं अपने घर से। आप भी हमें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें आप कॉल कर सकते हैं कभी भी आपको अगर ऐसा खतरा महसूस हो, अगर ऐसे आपको जानवर आपके अगल बगल आसपास कहीं दिखे, तो बेझिझक होकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सांप के काटने पर आपको क्या करना है आपको ये पता चल गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं जागरूक करना चाहूँगा आप सभी को कि कितने प्रकार के जो सांप है, जो खतरनाक सांप है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, और कौन से सांप में कौन सा जहर होता है और उसके काटने पर क्या इलाज करवाना चाहिए वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जहर वाले सांप भी होते हैं, बिना जहर वाले सांप भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोग कृपया करके थोड़ा सा वीडियोज़ को देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कि सांपों की जानकारी हो उनके बीच, उनके दिमाग में जानकारी आए कि कौन से सांप से आपको कैसे बचना है। तो यही, आप इस रेस्क्यू को पूरा देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और चलिए तब तक आप इस रेस्क्यू को पूरा देखिए, मैं यहीं पर आपको ये रेस्क्यू दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों,
नीचे उंडी बड़ बंद नहीं होनी चाहिए और तो हो जाए। बोलो ना रुको रुको नहीं तो कुछ लग जा जान दो अति की फेर लगता है मर जाओ है ना तो हां मरे तो बोल पर गाल तो हुई जा नहीं नहीं अद बीचो कटे हूं मजा यार कटे हूं गा जी मजा मैं तो है तो ये जो कसी टिक जाए और मरी जाए मरे वो तो मरे जानवर बीचो लगे हूं मजा कुछ काम को नहीं हो सारे कसी ये तो ओ कौन जी जा रहा है और जगह बहुत बहुत लगा नहीं जा आ गया हो गया आ गया अरे बनो बनो वीडियो बनाओ जल्दी से खतरनाक बिच्छू भी था वो तो लाते अगर खतरनाक गाड़ वाला है बैंकर आदमी है वो तो बद्दे तो रेत में बीच में आ गया बिल्ली वाला सही पड़े हो बाटो उठा के बीच में सोता हो ना सही पड़े हो अरे लंबो है बोले खतरनाक गाड़ है बेड़ो भी है बेड़ो तो है ही बाटो उठा के ये आज पागल आदमी है ओ भाई साहब तेरे पेटो तो तकड़ा उंगरा कम नहीं बस साबत बढ़िया है बैंकर यार पेट भरियो खतरनाक सॉरी यार भाई तो नहीं बस की बनी वीडियो तो बीस मिलियन के को ना वीडियो तो नहीं दूसरी के नहीं नहीं की को नहीं है सुनो शंकर भगवान मूर्ति पे लगाओ ना ओ भाई मूर्ति बहुत खतरनाक ताकत है शंकर भगवान गलम कोई गलबल हो भाई 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 हैं कितना ताकत का खतरनाक हैं बहुत इतना देखो तो ऑटो दे दियो इनका 20 दिन दिखाना है इधर उठा गयो रे ब्रो भाई साहब देखो तेरे बहुत खतरनाक उधर दो भाई उम्र से हाथ गाल बाकी पकड़ बाकी स्टाइल लेने दे हाथ डाले उम्र से हाथ डाले 20 देखो 20 देखो 20 गुस्सा देखो इसमें एक सेकंड को लाठी दीजिए मुंडा के लगा देना पूंछ पकड़ लियो बनाते पूंछ पांच गाने बस बस अति पकड़ रखो टूटेड गया मन की एक्चुअली मैं बताऊं कहीं है दिक्कत बहुत खतरनाक रिस्क है यार एकदम एकदम नया शॉट बहुत खतरनाक है 10 सेकंड 1 सेकंड को 10वां हिस्सा पूरी बना ले तू ये 10वां हिस्सा ध्यान रखते अंदर डाल देना 1 सेकंड वही होती है एक और इसको छोड़ना नहीं कहीं छोड़ना में खजा है
यार मन बिल्ले नुकसान का बड़ी चिंता है। नहीं यार तो महादेव शंकर भगवान जय तेरी बोले कि बाबा की रक्षा करना। हर हर महादेव हर हर झारखंड महादेव सब तेरे कोई दिक्कत नहीं। आपको छोड़ दो भाई आज ही आपको छोड़।